वेलकम बैक नाज़रीन, बात का सिलसिला हम यहाँ से शुरू करते हैं। इकबाल शाह साहब, सीधी सी बात यह है, देखिए पहली कन्फ्लिक्ट जो हुई वो आपको 58 टू 59 तकरीबन रही, जिसमें नवाब नौरोज खान भी निकल गए उस तरफ, वो ये थी जब कलात पे हमला किया गया अपने मार्शल्ला के बाद, वो कन्फ्लिक्ट थी, वो चली एक तकरीबन एक साल, उसके बाद रेजोल्यूशन उसका हो गया। सेकेंड कन्फ्लिक्ट जो थी वो 60s में हुई, 60s में कॉन्स्टिट्यूशन भी नहीं था आपके पास, कुछ भी नहीं था, वो चलती रही, ख़त्म हो गई। फिर उसके बाद थर्ड जो है कन्फ्लिक्ट भुट्टो साहब के दौर में भी हुई, भुट्टो साहब के दौर में हुई, ठीक है जी। इसमें उसको करने की क्या बात, ना किस्सा ये है कि वो बहुत बड़ी लड़ाई हुई थी, वो बहुत बड़ी लड़ाई हुई थी, और उसमें वही लोग इन्वॉल्व थे जो कि अब उसके ख़िलाफ़ भी जो लोग बात उनकी वजह से बात करते कि इनके साथ ये हुआ। नवाब अकबर खान भुट्टी चीफ गवर्नर बने बलूचिस्तान के 70। हालांकि नवाब अकबर भुट्टी साहब के मतलब ज़ाहिर है हम तो उसको ये कहते हैं कि भाई वो कायद अजम के ज़माने में भी वो उनको साथ शामिल करने में, आप जैसे आपके सारे बुजुर्ग थे तो उनकी कंट्रीब्यूशन तो है, लेकिन फिर वो बदनामा दाग तो हमारे मुल्क के कुछ ऐसे जगहों में भी लग गया कि उसे शायद मारा गया ना, ये ज़रा बताइए क्या किस्सा क्या हुआ। मैं आपसे अर्ज़ करूँ कि जब पाकिस्तान के लिए उस ज़माने में जब पाकिस्तान बन रहा था तो ब्रिटिश बलूचिस्तान था, जिसमें हमारे रीजन्स थे, डेरा भुट्टी, मरी इलाका, यह सारे का सारा अफगानिस्तान तक जो जाता था ये ब्रिटिश बलूचिस्तान कहलाता था, और वो दूसरी साइड जो थी वो ब्रिटिश खान ऑफ कलात के था, वो अपना वो बलूचिस्तान कहलाता था दूसरा। तो इन में ब्रिटिश बलूचिस्तान में सरदार जो थे, बड़े बड़े सरदार थे, इनका एक बाकायदा एक जिरगा हुआ वहाँ पर क्वेटा में, जिन्होंने एक्सेस दी आपको बलूचिस्तान के इस हिस्से को पाकिस्तान में, इसके ऊपर सिग्नेटरी मेरे दादा भी थे जी। अच्छा, ठीक है जी। और दस्तूर साज जो पाकिस्तान के लिए काम कर रहे थे उसमें भी मेरे दादा का भी नाम है, जिसमें बहुत सारे सरदारों का नाम है। नवाब भुट्टी साहब का जी जो स्थान है वह उस पर थोड़ी रोशनी डाली है। तो मैं अर्ज़ कर रहा हूँ आपसे, 73 में बलूचिस्तान में जो रोल था उनका वो सारे सारा इंसर्जेंसी में के अगेंस्ट था, मरी ट्राइब्स और कुछ जालावान की तरफ जो थे, मेंगल और दूसरे के मरी के रूट्स अफगानिस्तान में है, मतलब वो वहाँ ढूंढते हैं जाके, वो और अफगानिस्तान में जाके उनको रिफ्यूज मिलता है, आपको जहाँ भागना होता है वहाँ बना लेते हैं, बना लेते हैं, और वहाँ से उनको असिस्टेंस भी मिल जाती है, ठीक है जी। तो नवाब साहब जो थे इन्होंने 73 में हुकूमत के साथ, अगर अकबर खान साहब ना देते साथ भुट्टो साहब का, शायद ये ऑपरेशन इतना ज़्यादा वो नहीं होता, इसमें नुकसान बहुत ज़्यादा हुआ, और बलोचों में बड़ी क्या कहते हैं क्रिप भी थी नवाब साहब के ख़िलाफ़। उस ज़माने में नारे लगते थे जनाब के, आमरियत के तीन निशान, भुट्टो, भुट्टी, टिक्का खान। अच्छा, ठीक है, ये नारे लगते थे उस ज़माने में। बलोचिस्तान में नवाब साहब के हक में नहीं लगते थे, मुखालफत में लगते थे। ये मैं आपको बता रहा हूँ, ये 73 के बाद यही बात चलती थी। उसके बाद ज़िया का मार्शल्ला आया, सरदार जो थे जेल में जो थे नवाब खैरबख्श खान मरी वगैरह, ये सारे के सारे, उन्होंने इनको आज़ाद कर दिया, हैदराबाद साजिश केस से निकाला और उनको छोड़ दिया। पार्टियां इनकी वैसे बिखर गई थी, आपस में भी नहीं थे, कोई लंदन चला गया, कोई अफगानिस्तान चला गया, इसी तरह से। तो ये सिलसिला था। उसके बाद फिर जब जनरल ज़िया के बाद जब दोबारा डेमोक्रेसी जो है वो रिवाइव हुई, उसके बाद आप देख लीजिए कि 2006 में सिचुएशंस ऐसी ख़राब होती गई कि उन्होंने कहा कि जनाब यहाँ पे जो है हमारा हक नहीं दिया जा रहा। यकीनन छः तो रिसेंटली आप कह सकते हैं मुशर्रफ दौरा है, मुशर्रफ दौरा है, ठीक है जी। इसमें बात कोई रॉकेट साइंस नहीं है, आप देख लीजिए कि ये पांचवी इंसर्जेंसी क्यों शुरू हुई। मुशर्रफ तो कई दफ़ा कह चुका है कि अकबर भुट्टी वो गार में ऐसा हमारे अफसर गए थे, वो कोई सफाई भी दी है कि उसने मारने का कोई इरादा नहीं था, तो ये बात वो भी कह रहा है जी, वो भी यही कहते हैं, उनके भी कहते हैं। लेकिन मैं आपको बताऊं, उस ज़माने में जब ये सिलसिला चल रहा था और नवाब साहब चले गए पहाड़ों पे चढ़ गए, तो गवर्नर साहब होते थे बलूचिस्तान के, मैंने उनको कहा कि पीरान सर हैं, उनको तकलीफ़ मत दें कोई भी, क्योंकि ये आखिरी दौर है उनका, इनकी ज़िंदगी का पता नहीं है कब तक है। तो आप हाँ जी, बीमारियाँ भी थी उनको, तो उनको पता था कि मैं अगर वैसे मरता हूँ तो कुछ और होगा, और ये रुख तो जो है ये हिस्ट्री में जिंदा रहना चाहते थे, तारीख में जिंदा रहना। तो फिर मैंने कहा गवर्नर से कि आप ख्याल करें कि उनको कोई तकलीफ़ ना दें, उनको कोई नुकसान ना पहुंचे, अगर आपके हाथों नुकसान पहुंचे उनकी अपनी वजह से भी। तो एक दास्तान आपके आ गई, आपने कहा कि वो उसने कोई कसूर फौज का तो नहीं था, ये बात मैं ये पूछना चाहता हूं। ये जंग थी ना जी, देखिए फौज का इतना कसूर सिर्फ इतना नहीं था, और सिर्फ इतना था कि उन्होंने उसको क्या कहते हैं टैकल जो उसको नहीं किया, केयर के साथ किस तरह करना चाहिए था वहाँ पे जो सिचुएशन। तो मुजाकर के लिए गए थे तो सीक्रेट है कि वो गार गिर के अंदर जो धमाका उन्होंने रखा हुआ था, उनके बंदों ने रखा हुआ था, वो हो गया।
चलो आगे चलते हैं कि अब आप देखें कि ग्वादर है सबसे अहम तरीन जो इन्वेस्टमेंट है पूरी दुनिया की, वन बेल्ट वन रोड 75 मुल्कों का एक मनसूबा है, आखिर सिरा वो ये, आप उससे सेटिस्फाइड हैं? देखिए वो जो मनसूबा है वो तो बेहतरीन है, फर्स्ट क्लास है, हमारी एक जगह है जिसको हम डेवलप नहीं कर सकते खुद, तो ज़रूर कोई अगर हमको डेवलप करके दे सकता है अच्छे उससे। मैं तो वहाँ होके आपको तो सुना कि उस ग्वादर को आप लोग ही नहीं बनने देते, आप मकरान अपना जो साथ है और एक शहर बसाने जा रहे हैं। तो अर्ज़ करूँ आपसे कि इनको तो चाहिए ये था कि जहाँ पे ये डेवलपमेंट करनी है तो वहाँ सबसे पहले पानी देते, वहाँ पानी पीने का है नहीं। इकबाल शाहिद साहब एक पीसी है, आपके अफसर लगे हुए हैं, डायरेक्टर जनरल आपका है, सारे लोग आप देखिए जी, ये अब कहने के लिए जो बात बिल्कुल सही है, लेकिन पीछे से जो विल है उनको नहीं है कि भाई हमने क्या करना है क्या देना है। अब के पास तो बजट ही कोई नहीं है डायरेक्टर जनरल के पास, होना चाहिए ना। तो यही कह रहा हूँ, जब इतना बजट है इस सी पैक में जो यहाँ पे इस्तेमाल हो रहा है, आप देख लीजिए ना जी, जो आपकी ऑरेंज ट्रेन बन रही है ये उसी पैसों से बन रही है जो कि सी पैक का हिस्सा है। इस ऑरेंज ट्रेन का बलूचिस्तानी को तो कोई फ़ायदा नहीं, मुझे लाहौर से आप ज़रा क्वेटा तक तो भिजवा दीजिए इस ट्रेन के ज़रिए। लेकिन आपकी तरह आवाज़ भी नहीं उठती, वो तो हम जाके देखें। ये आवाज़ जो है अगर मतलब उठ रही है, ये नहीं कि नहीं उठ रही, कमज़ोर आवाज़ है, मेरी जैसा कमज़ोर आवाज़ है जैसी मेरी कमज़ोर आवाज़ है इस तरह और भी उठ रही है। आपका संजरानी आ गया, बस जो आ गया क्या मतलब क्या यही तो कह रहा हूँ जी, ये इसको देखना पड़ेगा सही तरीके से कि क्या है क्या नहीं है। हम जब एल्योर करेंगे बलूचिस्तानियों को, जिन आपको तो एतराज़ आता है कि आई जी चीफ सेक्रेटरी ये सारे लोग वहाँ होते हैं, तो क्या समझते हैं कि ये कोई ऐसी बुरी बात भी नहीं है, क्योंकि ज़ाहिर जो आदमी पढ़ा लिखा है पूरे मुल्क में सर्विस कर सकता है। जी जी, इतना बड़ा एलिगेशन तो नहीं है। नहीं, आपके लोग भी लाहौर में एंगल लगा हुआ। देखिए मतलब एक है अगर, और उसके बाद फिर कोई और भी मिसाल होनी चाहिए ऐसी कि यहाँ नज़र आए, वहाँ तो ज़माने से आ रहे हैं जा रहे हैं, लेकिन ये है कि उन वो सिस्टम को ठीक नहीं, लोगों को सारे पाकिस्तान में वो शेयर नहीं मिल रहा, नहीं मिल रहा है बिल्कुल ऐसी है वहाँ। कहते हैं आप, देखिए अब तो मसला 18th अमेंडमेंट की बात पत क्लियर हो गया कि जी आपका ऐसा आप करेंगे, और वो ये जो आप तो समझते हैं कि बाहर आज ने तो कल ग्वादर तो बनना है, तो आप समझते हैं कि अब जो अनरेस्ट फैलाने वाले लोग थे वो शिकस्त खा चुके हैं? नहीं जी, अभी अब BLA है, अब हज़ारा बरादरी को वो टारगेट करते रहते हैं। देखिए ना, BLA आसान नहीं, अर्बनाइज नहीं है, SH ये नहीं है, ये अर्बनाइज किसने करना था? आप लोग तो वज़ीर आला भी रहे, सारा कुछ रहे। देखिए ये बड़ा आसान है अपने आप को साइड निकालना कि आप रहे हैं हेलम ऑफ अफेयर्स पे, उसको अपनी जगह पे, लेकिन हज़ाराज का मसला कोई छोटा मसला नहीं, बहुत बड़ा मसला है। ये सेक्टेरियन बुनियाद के ऊपर तो उनको मारा जा रहा है, लेकिन वही शिया जो ने पंजाब में बिल्कुल ठीक है, उसके बारे में कोई वो राय नहीं है, कुछ नहीं होता यहाँ पे, यहाँ शिया अर्ज करूँ, यहाँ शिया काफर नहीं है, बलूचिस्तान में आके शिया काफर हो जाता है, फिर बेचारे हज़ारा जो हैं वो नज़र आते हैं, क्योंकि उनकी जो येलो रेस की वजह से होने की वजह से वो नज़र आते हैं। इंटरनेशनली आपके इर्द गिर्द जो मुखालफतें हैं वो सब अपना डालते हैं यहाँ पे, उनका यकीनन इन्वॉल्वमेंट है इनको मारने। दो सिस्टम आपके चल रहे हैं, मसलन लेवी का चल रहा है और बॉर्डर के और सिस्टम है आपका, और अभी कई इलाकों में तो गवर्नमेंट ग्रिड भी नहीं है, कंटोनमेंट्स बन रही हैं, ये है कि क्या ये समझते हैं कि और स्पीड अप करना चाहिए या ठीक चल रहा है? कानून की हुक्मरानी सब जगह होनी चाहिए, सीधी बात है। कितनी है उन जगहों तक प्रेस प्रोसीड करना चाहिए जहाँ पे लोग रहते हैं, आबादी है वहाँ पे, लेकिन ऐसा सच उतनी नहीं है। बलूचिस्तान में अर्बनाइजेशन नहीं है, शहर कोई आबाद नहीं हुआ नया, पुराने शहरों के ऊपर बोझ है, हर लोग आ रहे हैं जिसको नज़दीक पड़ता है अच्छा शहर वो वहाँ पर आके आबाद हो रहे हैं, वो जो वहाँ की डेमोग्राफी है उसको चेंज कर रहे हैं, सोशल डेमोग्राफी। तो कहने का मतलब ये कि वहाँ पे पहले अर्बनाइजेशन होनी चाहिए थी शुरू से, बिल्कुल इसमें कसूर हमारा भी है यकीनन होगा, लेकिन ये बहुत बड़े उसके ऊपर क्या कहते हैं स्केल। किस तरीके से आप देख रहे हैं कि पाकिस्तान में वज़ीर आज़म जो है वो, क्योंकि आपके पास है कि वज़ीर आज़म भी जो है वो हमारे पिंडी से हैं, पहले लाहौर से थे, पंजाब से थे, समझ लें वज़ीर दाखिला है, खारजा है, दफा है, स्पीकर है, तो हम तो आपकी बात करते रहते हैं कि वहाँ उस लिहाज से तो छोटे सूबों को भी नुमाइंदगी देनी चाहिए, तो आप अपना कोई इन लोगों को कहते हैं कि जब आपके जहाँ नुमाइंदे कहते हैं जो उस वक्त मौजूद हैं कि भाई उस लिहाज से कि 42% तो हम आपकी बात लैंड के लिहाज से हैं, तो उतना हिस्से तो जो आप हमें दे रहे हैं ये भी एक सवाल है। यकीनन ऐसे जी, सबसे बड़ा सूबा हम है, हमारे यहाँ जो प्रोजेक्ट्स हैं आपको पता है वो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के हैं, कॉपर गोल्ड, ये आपका अपना ग्वादर बिल्कुल सही है, लेकिन आप इंटरेस्ट तो देखिए ना, प्राइम मिनिस्टर वहाँ पे कितना अरसा जाते हैं,
گوادر کہیں جانا ہوگا تو وہاں سے کوئٹہ گئے تو ٹھیک، کوئی اپنی کنفلکٹ ہے اس کو ٹھیک کرنے کے صحیح، لیکن کبھی بھی وہاں پہ آ کے بیٹھے نہیں، اپنی پارٹی کے ساتھ بھی اور بلوچستان کے باقی لوگوں کے ساتھ بھی کہ ہم آپ کے ساتھ کام کر سکتے ہیں۔ آپ کا پرائم منسٹر جب پہلے یہاں کا تھا تو وہ اس پنڈی چھوڑ کے یہاں پہ بھی آتے تھے، یہیں پہ رہتے تھے، سب کچھ یہاں پہ تھا۔ اب پنڈی کے ہیں آپ کے کیا کہتے ہیں پرائم منسٹر، تو وہ بھی لاہور آتے ہیں جناب، وہ کریں تو آپ بلوچستان کو مہمان نواز نہیں کرتے ہوں گے؟ وہ ہم بڑے مہمان نواز ہیں، ہم بے شک ہماری ہمارا کوانٹم کم ہوگا، غریبی ہماری ہے، لیکن ان کی مہمان نوازی کرنے کے قابل ہم بھی ہیں۔ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ سن رہے ہیں جو لوگ، انواسی صاحب وہاں رات بھی نہیں رہے اپنے، تو یہ حقیقت ہے جی، حقیقت بھی جا کے رہنا چاہیے، رہنا چاہیے، اپنے دلوں کو مسخر کرنا۔ بتائیے کہ وہاں دو نمبر مال بہت چمن میں بنتا ہے، سارے پاکستان میں سپلائی ہوتا ہے، دو نمبر سگریٹ بنتے ہیں، ان کی پشت مرائی کون تھا، سمگلیں وہاں ہوتی ہے، گاڑیاں وہاں سمگل ہوتی ہیں، سارا تو اکانومی کو تو بیڑا گرک وہاں کرتے ہیں لوگ مل کے، تو پاورفل لوگ کرتے، کون کرتا ہے؟ کوئی تو ملا ہوگا نا ان کے ساتھ جی، کوئی تو ملا ہوگا۔ دیکھیں یہ جو بارڈر کا علاقہ ہوتا ہے، ہمیشہ کسی بھی بارڈر پہ آپ جائیں تو آپ کو دونوں طرف سے سمگلنگ ہوتی رہتی ہے، پہلے چھوٹے اسکیل پہ ہوتی تھی، بارڈر پر یا کیا کون ہیں لیویز ہیں کیا ہیں، مطلب نہیں وہاں پہ سب ہیں جی، وہاں لیویز بھی ہے، وہاں پہ ایف سی بھی ہے، وہاں پہ پولیس بھی ہے، وہ بھی ہے، وہاں پہ کسٹمز بھی ہیں۔ جب وہاں سے گاڑی بہت بڑی لینڈ کروزر کیسے گزر کے آ جاتی ہے، مرسیڈیز کیسے گزر کے آتی ہے، بی ایم ڈبلیو کیسے گزر کے آتی ہے، بارڈر سے آتی ہے، کوئٹہ تک پہنچتی ہے، کوئٹہ سے آگے سپلائی ہوتی ہے، رائٹ۔ صدر صاحب بتائیے جو موجودہ سیٹ اپ، اس وقت پاکستان میں کافی دست و گریبان ہو چکا ہے، بلوچستان ظاہر مسلم لیگ نون سے ہاتھ سے نکل گیا، اور اب آپ دیکھیں کہ میاں نواز شریف سب جو دل سے کرتے ہیں، اور دوسری قیادت کراچی میں سب لوگوں نے گھیرا ہوا ہے، آپ نے وہاں گھیرا ہوا ہے، یہاں اس میں انہوں نے گھیرا ہوا ہے، سندھ میں زرداری نے گھیرا ہوا ہے، تو عوام کے لیے کیا سوچنا، تو پڑھے لکھے نواب بھی ہیں، سردار بھی ہیں، وزیر اعلیٰ بھی رہے ہیں۔ عرض کروں آپ سے کہ بات تو نیت کی ہوتی ہے اقبال شاہد صاحب، اگر نیت آپ کی ہو تو سب کچھ کر سکتے ہیں، دست و گریبان ہم رہیں گے، پہلے بھی رہے، اب بھی رہیں گے۔ اس وقت یہ کہ پولرائزیشن بہت زیادہ بڑھ گئی ہے، جو حالات ہیں سیاسی، اس سے لوگ فوج کے اوپر تنقید کرتے ہیں، ان کے متعلق کیا کہیں گے؟ دیکھیں جی، جو تنقید کرتے ہیں تو ان کا ظاہر اپنا نقطۂ نظر ہے، یقیناً ان لوگوں نے ہی اس فوج سے فائدہ اٹھایا ہے، یہ میں آپ کو بتا دوں۔ اس وقت جو وہاں بیٹھے ہیں باہر جو گالیاں دیتے ہیں، انہوں نے فائدہ اٹھایا ہوا ہے۔ ابھی کل مجھے ایک دوست ملا، اس نے کہا جب وہاں لندن میں ایک دوست سے ملے، وہ کہہ رہا تھا کہ میں بلوچستان جب جاؤں گا، جب بلوچستان آزاد ہوگا، اور میں نے کہا وہ بندہ تو آ چکا ہے اس کے منہ میں خاک، وہ ہے بلوچستان میں موجود ہے، اس وقت بیٹھا ہوا ہے، اور اس کی فیملی جو ہے فوج کے ساتھ بھی تعلق ہے آپ کا، کیونکہ وہ اس میں ہیں کیا کہتے ہیں پاور کوریڈورز میں ہیں، ان کو ایکسیس ہے۔ تو یہ قصور ہمارے سسٹم کا ہے کہ ہم دیکھیں کہ اقبال شاہد کتنے فیوریبل ہیں اور غوث بش کتنا نگیٹو ہے۔ یہ ہے کہ میں کنڈیشنل پاکستانی بن جاتا ہوں، میرا بس پھر اس کے بعد میں اچھی اچھی بات کرتا ہوں، لیکن لندن کا نوٹ جس بندے کا دیا میری تو میں حیران ہو گیا جی، لیکن وہاں اس فیملی کو میں جانتا ہوں جس طریقے سے وہاں پہ وہ فائدہ بھی اٹھا رہی ہے سسٹم سے، سسٹم میں فوج بھی ہے آپ کی، ادارے بھی ہیں سارے کے سارے، ان کو فائدہ مل رہا ہے جو کنڈیشنل پاکستانی۔ مطلب یہ ہے کہ وہاں آپ دیکھیں کنٹونمنٹ سے امن تو قائم ہوا ہے، فوج نے جانوں کی قربانیاں پیش کی ہیں، جہاں جہاں بھی امن ہے، آپ یہاں پھر رہے ہیں، آتے ہیں لاہور میں، آپ دیکھا کہ بڑا فرق ہے، کراچی میں جاتے ہیں تو پھر نکل سکتا تھا جی ہاں، تو اس کے پیچھے تو فوج ہی ہمارے ملک کی محافظ ہے، تو باقی چیزیں تو چلتی رہتی ہیں۔ بالکل صحیح ہے، اس میں یہ کہ فوج ہمیشہ آپ نہیں رکھ سکتے، فوج سے ہمیشہ آپ کام نہیں لے سکتے، فوج کا کام بہت زیادہ بھی نہیں ہے، ایسے ہی ہے جی فوج، یہ مطلب آپ ہماری خوش قسمتی ہے، اور اچھی بات یہ کہ ہماری فوج ٹھیک ٹھاک پروفیشنل بھی ہے۔ بتائیے کہ ادارے کام کیوں نہیں کر رہے؟ سر آپ دیکھیں گے عدالتوں کو انٹروینشن کرنی پڑتی ہے، سارے بیڑا گرک پہ کوئی میکینزم نہیں ہے، کسی کو پوچھا جائے، آپ کے پاس آپ کے صوبے میں سیکٹروں کے پاس کروڑوں روپے نکل آتا ہے، پھر روتے ہیں، آپ کا وزیر اعلیٰ ثناء اللہ زوری وہ اب تب اس نے جواب نہیں دیا کہ وہ 90 کروڑ روپے ہر مہینے کیوں لیتا تھا، تو یہ پھر کیا کرے اوپر عدالتیں، کیا کریں ان لوگوں کا، کیا علاج کریں؟ عوام تو بے بس ہو چکے ہیں، آپ کے پاس اگر عوام بھی نہیں ہے۔ میں آپ سرچ کروں، میں یہی تو کہہ رہا ہوں کہ ان کا کام نہیں ہے جو یہ کام کر رہے ہیں، جس کا کام اسی کو ساجھے، اگر نہیں کرتے پھر نہیں کرتے تو ظاہر ہے پھر مسائل تو بڑھ رہے ہیں۔ اس وقت بھی ان کے کرنے کی صورت میں بھی بڑی مشکل ہے کہ ان لوگوں نے نیریٹو لے لیا ہے کہ جناب ہم جو ہے نا زیر عطاب ہیں، باقی لوگ زیر عطاب نہیں ہیں۔ ہونا تو یہ چاہیے کہ جناب یہ ادارے جو کام کر رہے ہیں وہ صحیح طریقے سے کام کرتے، میں بھی زیر عطاب ہوتا، آپ بھی زیر عطاب ہوتے، کم از کم انسریبل ہوتے کسی کو۔ اب اس وقت جو عدلیہ جو کر رہی ہے، یقیناً اسپتالوں کا کام اس کا نہیں ہے، یہاں پہ جب گھومتے ہم دیکھتے ہیں وہ آبسٹرکشنز نہیں جو پہلے تھیں،
तो ये वो उनका काम नहीं था, ये एडमिनिस्ट्रेशन को सोचने का काम लेकिन था। लेकिन अब ये जब करें अच्छा, वो काम नहीं करते तो फिर वो उधर किसी इदारे में तो फिर यही है, फिर कंस्पिरेसी थ्योरी आती है, वो कहते हैं कि जनाब सिर्फ हम और वो, हमारा एहतसाब जो है वो कोई और कर रहा है। कल ही हमने सही जो जमहूरियत है, ये सिस्टम जो ये आप कह सकते हैं वरासती जमहूरियत हम इसको कहते हैं, कि अपना जरदारी का बेटा आ गया जी, बलावल आ गया, इधर मियाँ साहब की भी फैमिली है, चौधरी शुजात की भी फैमिली है, फजल रहमान का एक है, ANP है, वहाँ महमूद तकरीर लेके बैठा, ये जमहूरियत क्या ऐसी जमहूरियत होने चाहिए, क्या मुस्तकबिल देख नहीं चीज़ है कि वैसे जमहूरियत है तो उनका हक बनता है अपने आप को पेश करें, लेकिन ये कि ऐसा थोड़ी है, कायद अजम के औलाद में से जो भी उनके रेमिनेंट्स थे वो उनमें से तो कोई भी सियासत में नहीं है इस वक्त। आप देख वोट को किस तरह देखते हैं, जिस वक्त इस वक्त पाकिस्तान में रूलिंग पार्टी के वोट को इज्जत दो तो इसको किस नज़र से देखते हैं? मतलब ये है कि अपने लिए अच्छी अच्छी बातें हैं, आपको अल्लाह ने दिमाग दिया है, सियासी पार्टी के जीत जाए उसे कानून वगैरह का एहतराम नहीं करना चाहिए, सिर्फ वोटर ही करेगा। जमहूरियत में तो सियासी पार्टियों का ही काम है इकबाल शाहिद साहब कि वो सही तरीके से काम करें, कोई आपको ओ करके ना कहे कि भाई तुम ये गलत कर रहे हो, तो वोट को इज्जत। मेरा सवाल यह कि ये जो जमहूरियत जिस तरीके से उनका एक नैरेटिव है कि सिर्फ हमें वहाँ पूछ सकते हैं, हम जो मर्जी 5 साल हमें कोई ना पूछे, जो मर्जी गलत करें सही करें, ये सही है? नहीं, ये बिल्कुल गलत है। आवाम में इतनी ताकत भी नहीं रही, आप जानते हैं इतने बेचारे। इस निज़ाम को बदलने के लिए अब इंटरिम जो सिस्टम आ रहा है वो आप समझते हैं कि वो एहतसाब के बाद तक चलते रहना चाहिए या फौरी इलेक्शन हो जाने चाहिए? अगर तो प्लेसमेंट अच्छे लोगों की आती है, ठीक लोगों की आती है, फिर तो ठीक है, पर इनको खुद ये पॉलिटिकल लीडर्स हैं, ये इन्होंने लीड करना है, ये खुद ही बैठ के आपस में कि एक ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस कर लें, एक खुद ही हुकूमत बना लें जनाब आपस में, जिसमें नून के भी हो, पीपल्स के भी हो, उसके भी हो, एक हुकूमत बना लें, भाई हमने सिस्टम को ठीक करना है, उसके बाद इलेक्शन करना है। सिस्टम ठीक नहीं है इकबाल शाहिद साहब। आवाम जो हैं वो दरमियान में, अगर 5 साल से पहले वो हुक्मरान अपनी मर्जी से हुकूमत चलाते हैं, ना कानून का एहतराम करते हैं, ना वो वोट को उस तरीके से फंड को उस उन इलाकों में खर्च करते हैं, अपनी मर्जी से अर्बनाइज इलाकों में खर्च करते हैं, मर्जी से ना असम्बली में पेश करते हैं, मर्जी से प्री ऑडिट नहीं करवाते, तो कौन सा मैकेनिज्म रह जाता है इनका इस एहतसाब करने का? इदारों की ताकत, इदारों की ताकत। बहुत शुक्रिया सरदार गौस पक्ष बारोदई साहब। नाज़रीन आपने देखा हमारे सवाल भी सुने और नवाब साहब के जवाब भी, नवाब साहब के पढ़े लिखे सरदार हैं और उनका एक ऐसा ख्याल है कि पाकिस्तान बहुत ही खूबसूरत मुल्क है, इसको मज़ीद सवारना चाहिए, अपने अपने रिजर्वेशन को एक तरफ रखना चाहिए, पाकिस्तान है तो हम सब कुछ हैं, वो उनका किरदार उन्होंने बताया और बलोच सरदारों का भी बताया कि पाकिस्तान में शामिल होने के लिए खान अफकलात और सारे सरदार ही शामिल थे, कोई रेफरेंडम नहीं हुआ था, पाकिस्तान से प्यार करने वाले लोग हैं। तो बलोचिस्तान में भी आप लोग भी जाइए, सरदार साहब कहते हैं कि मैं हाज़िर हूँ, जो आदमी वहाँ आए उनको बलोचिस्तान दिखाते, ऐसा नहीं है जिस तरह यहाँ बनाया जाता है, अब उस तरह का बलोचिस्तान जहाँ खौफ और आस है कम है, ग्वादर है और आइंदा इन्वेस्टमेंट के लिए बेहतरीन है। तो नवाब साहब आपका बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ लाए, बहुत ही आपकी मेहरबानी, थैंक यू वेरी मच, शुक्रिया।